तो सिनोनिम्स की क्लास थी आपकी, तो उसी का क्लास 133 है। तो आज का जो पहला वर्ड ले रहा हूं मैं, दैट इज बैनिश। नोट्स आप देख ही रहे हैं, बैनिश। तो बैनिश के मैंने काफी सारे वर्ड दिए हैं। जैसे बैनिश का पहला वर्ड है एक्सपेल, एक्सपेल करना। एक्सपेल्ड वर्ड सुना होगा आपने, एक्साइल सुना होगा, डिसमिस, डिबार। इन सब का मतलब है कहीं ना कहीं निकाल देना, ठीक, उसे वनवास दे देना। तो एक्सपेल कर देना, डिबार कर देना, एग्जाम से उसको डिबार कर दिया गया है, ठीक। और एक वर्ड था इसमें डिसमिस। डिसमिस तो आपको पता ही है, डिबार पता है। एक वर्ड इसमें मैं नया लिख रहा हूं, उस नोट्स में नहीं है, फायर और सैक। फायर और सैक, इसका मतलब भी निकालना होता है, जैसे किसी को सर्विस से निकालना। तो इसमें एक बार आपके जो एनडीए में एक बार आया, रिलीव ऑफ जॉब। जॉब से जब हम किसी को रिलीव करते हैं, मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं, इसीलिए एक रिलीविंग लेटर भी मिलता है, रिलीव लेटर। रिलीविंग लेटर मिलता है जब हम उसको जॉब से मुक्त कर देते हैं एंड टाइम पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसे हम कह सकते हैं, द रिलीविंग सर्टिफिकेट, फायर एंड सैक। तो ये वर्ड इसमें जो नोट्स मैंने आपको दिए थे उसमें नहीं थे ये वर्ड, तो मैंने ये वर्ड दोनों आपको एक्स्ट्रा बता दिए, फायर और सैक। तो नोट्स का फायदा आप देख भी रहे हैं साथ के साथ, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसमें जो नया वर्ड है, कोई नई चीज़ है, वो ऐड मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट है दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है आज का बैटल। लिख लिख के इसलिए जिससे आपको ध्यान दें और कुछ नया दिमाग में आ जाए, तो मैं आपको वो भी वर्ड लिख दूं। जिसके लिए नया वर्ड नहीं है वो आपको रीड करना है कई कई बार, उसके मीनिंग से रिलेट करना है आपको। तो पहले वर्ड है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। पहला वर्ड है वार। आपको पता ही है वार माने तो युद्ध होता ही होता है, तो बैटल का मतलब युद्ध होता है। वार, फाइट आपको पता है, एनकाउंटर आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट पता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे, जब हमारे बीच असहमति होंगी, झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे, वही लड़ाई का कारण होते हैं, ठीक। तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट और कम्बैट, कम्बैट, COMBAT। तो बैटल का मतलब युद्ध है, और युद्ध के लिए आपके पास तीन और दो पांच वर्ड मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो फाइव वर्ड्स हैं फिर एक बार देख लेते हैं। वार है, फाइट आपको याद रह जाएगा, एनकाउंटर, वो एनकाउंटर में मारा गया, तो एनकाउंटर, ठीक है। तो एनकाउंटर आपको क्लियर हो गया। कॉन्फ्लिक्ट और कम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है, हमारे जो विरोधाभास हो जाते हैं, हमारे जो ओपिनियन आपस में नहीं मिल पाती हैं, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, सॉरी, वार हो गया आपका, बैटल यानी के। एक वर्ड है थर्ड, थर्ड वर्ड है बियर। बियर का मतलब सहन करना होता है, सहन करना, बियर। यहां पर देखें, टॉलरेट, सहन करना, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है। एंड्योर, बहुत अच्छा वर्ड है। सफर, बहुत अच्छा वर्ड है। और एक था सस्टेन, सस्टेन, सहन करना, ठीक। कोई चोट है, उसके जो दर्द है उसको सहन कर गया। एक आपने किया था फुट द बिल, फुट द बिल, पे द बिल, तो बियर द एक्सपेंसेस, ये सहन करना भी होता है। और सहन करना का मतलब वहन करना भी होता है, किसी के खर्चे को वहन करना, पेमेंट करना। तो इसलिए ये वाला वर्ड भी आपका अच्छा है। तीसरा वर्ड हो चुका है आपका। नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड करते हैं। फोर्थ वर्ड है ब्यूटीफुल, सिंपल वर्ड, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के आगे काफी सारे शब्द लिखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। पहला शब्द है हैंडसम, सुंदरता के लिए आता है। प्रिटी, प्रिटी भी सुंदरता के लिए। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिंग, आकर्षक, ये भी इसके लिए आता है। लवली, सुंदर, गुड लुकिंग। तो ये सारे के सारे सब ब्यूटीफुल के लिए हैं। हैंडसम हो गया,
अट्रैक्टिव हो गया, चार्मिंग हो गया, प्रिटी, PRET, प्रिटी, ठीक। ये सारे के सारे वर्ड ब्यूटीफुल के लिए, सुंदरता के लिए है। ऑसम जैसे हम कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो ये सारे के सारे चीज़ें पॉजिटिव और अट्रैक्टिंग हैं। नेक्स्ट करेंगे, पांचवा वर्ड है बिलीव। पांचवा बिलीव, BELIEF। बिलीव का मतलब होता है आपकी आस्था, विश्वास। हिंदी से हमें बहुत सारी बार ज़्यादा याद रह जाते हैं, तो ये आपके ऊपर है। वैसे आपको हिंदी से याद रखोगे तो मीनिंग को ज़्यादा याद रहेंगे। बिलीफ माने आस्था, तो आस्था के लिए हमारे पास जो नोट्स में लिखे हैं वो देखें पहले। तो फेथ, बहुत अच्छा वर्ड है फेथ, आस्था, ठीक। नेक्स्ट है ट्रस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्फिडेंस, विश्वास, आस्था, ठीक है। तो ट्रस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस, फेथ। एक वर्ड वो लिखे हैं क्रेडिबल, जिस पर आप बहुत यकीन करते हैं, क्रेडिबल। और इसी को, क्रेडिबल का एक वर्ड बिलीवेबल भी होता है, यकीन करने योग्य, जिस पर आपको पूरा विश्वास होता है, उसको फेथ कह दें, ट्रस्ट कह दें, कॉन्फिडेंस कह दें, ठीक है। तो ये क्रेडिबल भी होता है, और क्रेडिबल के लिए एक वर्ड आता है बिलीवेबल, जिस पर आपको पक्का यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है, ठीक, जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं आस्था, बिलीव, विश्वास। पांचवा वर्ड आपका ये वाला हो गया। फिफ्थ वर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिफ्थ वर्ड के अंदर। फिफ्थ वर्ड, सिक्स्थ वर्ड देखें, बेनिफिट। बिलीफ हो गया था, बेनिफिट। ये बेनिफिट किसी रूप में पहले भी आया है। बेनिफिट का मतलब क्या होता है भाई? बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। फायदे को हम लाभ भी कह सकते हैं, तो देखें जरा। बेनिफिट का एक गेन हमने किया था, फायदा, प्रॉफिट हमने किया था, और बेनिफिट का मतलब गुड भी कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं, क्लियर। इसका मतलब सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, फेवरेबल, ठीक, फेवरेबल हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बेनिफिट हैं, ठीक। बेनिफिशियल एक वर्ड और आता है, उसको भी लिख देता हूँ, बेनिफिशियल, लाभदायक, ठीक। एक वर्ड जो आपको सपोर्ट करता है, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के साथ टू आता है, तो ये वाला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे वर्ड वो हैं जो आपको काम करने में सपोर्ट करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक, फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट मान लीजिए, क्लास का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है पढ़ाई के लिए, तो क्लास एनवायरनमेंट इज़ कंड्यूसिव टू योर स्टडी, कंड्यूसिव टू, बेनिफिशियल, पॉजिटिव, फेवरेबल, यानी कि आप एन्जॉय करें, आपकी सारी चीज़ें बेनिफिट हैं, आपको सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। बेनिफिट का मतलब फ़ायदे, ठीक, आप आराम से यहाँ पर पढ़ें, आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे। सिक्स्थ वर्ड हो चुका है, सेवेंथ वर्ड, हाँ भाई, सेवेंथ वर्ड है, बेनिफिट हो गया, बिग। कुछ वर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो आपको रिपीट में और रिवाइज होगा आपका, ठीक है, रिपीट में और भी ज़्यादा रिवाइज होगा आपका। तो हमने किया बिग, बिग में करते हैं, बिग में पहला वर्ड है, बिग का मतलब होता है बड़ा, बड़े का मतलब पहला वास्ट, VAST। ये वास्ट वर्ड कहाँ यूज होता है? वास्ट एक्सपीरियंस के लिए होता है, ही हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस, उसे बहुत बड़ा अनुभव है, तो बड़े के लिए यहाँ पर ये, और साइज के लिए भी बड़ा, ह्यूज, दिस इज ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इमेंस माने भी बड़ा, और एनॉर्मस का मतलब भी व्यापक या बड़ा ही होता है। बल्कि, बल्क का मतलब बड़े साइज में, बल्कि, बल्क माने बड़े साइज में, और लार्ज का मतलब तो है ये। तो सारे वर्ड को एक बार अपने आप रीडिंग करेंगे, उसका मीनिंग, क्योंकि ये सिनोनिम्स है तो मीनिंग तो सबके सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसको देख लें कि ज़्यादा, मैं इसीलिए मैं आपको हर वर्ड को अपने मुंह से बोल के बता रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वर्ड को ये कह सकते हैं कि ये वर्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सेवेंथ वर्ड हो गया है, एट्थ वर्ड,
सेवेंथ वर्ड, एट्थ वर्ड कर रहे हैं, एट्थ वर्ड। आज ज़्यादातर वीडियो में मैंने 10 से 12 वर्ड दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 10 12 13 भी हो रहे हैं किसी किसी में। चलो जी, तो नेक्स्ट वर्ड है, बिग हो गया था। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बोल्ड। बोल्ड मीन्स बहादुर, ब्रेव। तो बोल्ड के लिए देखते हैं, ब्रेव लिखा है, फियरलेस लिखा है, फियरलेस, निडर, ठीक। वैलियंट योद्धा के लिए भी आता है, और करेजियस, करेजियस माने साहसी। तो सारे के सारे वर्ड हमें क्लियर हो गए, ब्रेव भी पता लग गया, फियरलेस भी पता लग गया, वैलियंट भी पता लग गया, करेजियस भी पता है। एक वर्ड और नोट करें जो एनडीए में आया हुआ है, ओडासिटी, बहादुरी के लिए आता है, AUDACIT। ये 2010 में आया था एनडीए के एग्जाम में, ठीक। कोई वर्ड सिनोनिम्स में आया, कोई वर्ड एंटोनिम्स में आया, तो मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जो वर्ड जहाँ आया वहीं पे उसको लिख देता हूँ। कभी कभी ईयर ध्यान नहीं रहते, लिख लिख कोशिश करता हूँ कि उसको ईयर को भी लिख दूँ। एट्थ वर्ड आपका हो गया है, एट्थ वर्ड। नाइन्थ, नाइन्थ वर्ड करते हैं। ब्रेव हमारा हो गया था, सॉरी बोल्ड हो गया था। बोल्ड के बाद अगर मैं आपको कहूँ ब्रेव, तो इसके भी सारे के सारे वर्ड वही आ जाएंगे जो हमने बोल्ड, बोल्ड भी आ गया, फियरलेस आ गया, वैलियंट आ गया, करेजियस। तो ये वर्ड जस्ट रिपीट हुआ है, ठीक। तो ब्रेव का भी वही है जो बोल्ड का है। नाइन वर्ड हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है टेंथ, दस वर्ड, दसवा वर्ड, दसवा वर्ड है ब्रीफ। दसवा वर्ड है हमारा ब्रीफ, बस ये लास्ट वर्ड करते हैं इसको, दसवें वर्ड को ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब यहां पर है संक्षिप्त, शॉर्ट कह दें, कंसाइज कह दें, टर्स कह दें, और कंडेंस्ड, कंपैक्ट है। मेटेरियल जो है वो कंपैक्ट है, कंडेंस्ड है, टर्स है, कंसाइज, बहुत ही ब्रीफ, संक्षिप्त, कंसाइज वर्ड ज्यादा आता है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।